अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 के 3 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD के नाम से, जो कि हमें गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है मतलब 4 साइड्स हैं उसकी, और ये नहीं कह रहा कि वो पैरेललोग्राम है, वो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन कह रहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा हमने पहले प्रूव किया था कि प्रूव करें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अभी कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। मतलब कि ये एक AC डायगोनल हो गया, एक DB डायगोनल हो गया, ये एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं O पॉइंट पर, तो यहाँ पर इनका जो कटिंग पॉइंट है वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये AC डायगोनल O पॉइंट पे आके इस तरफ का डिस्टेंस और इस तरफ का डिस्टेंस जो है वो बराबर हिस्सों में जो है वो उसको डिवाइड कर देता है, और सिमिलरली DB को भी जो है वो बाइसेक्ट कर देता है, मतलब बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो वो हमें लिख दिया है गिवन में कि AO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC, OA या AO बराबर है OC के, और DO बराबर है OB के। DO बराबर OB हमने मार्क्स भी लगा दिए हैं कि भाई ये बराबर है। तो प्रूव हमें ये करना है कि ये जो ABCD है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है। पहले हमने ऐसा ये प्रूव किया था कि भाई ये पैरेललोग्राम है, प्रूव करें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अभी उसके रिवर्स है, तो प्रोसेस भी उसी की तरह ही होगा। प्रूव करना है कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DC के, यानी AB और DC ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसके अलावा पैरेलल भी हैं, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा उसके अपोजिट दूसरा जो पेयर है BC और AD का, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि हमने दो ट्राइंगल्स जो है वो पिक किए हैं इसके अंदर से, एक DOC, एक ये DOC ट्राइंगल, और दूसरा AOB ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने किया है करेस्पोंडेंस, तो हम चेक करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं। तो एक है इसके अंदर AO और OC, AO है इसका साइड और OC है इस ट्राइंगल का साइड, ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जो कि हमें गिवन था। DO कॉन्ग्रुएंट है OB के, DO इसकी साइड, OB इसकी साइड, ये दोनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें लिख दिया। और तीसरी पॉइंट है इसके अंदर एंगल DOC, एंगल DOC, ये वाली एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, AOB और DOC, ये दोनों एंगल्स कहलाती हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल दो ट्राइंगल्स की आपस में सेम आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, तो हम कहेंगे कि अब ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, DOC और AOB ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड साइड एंगल थ्योरम के बिना पे। तो अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो अब इनकी बकाया साइड्स और एंगल भी वो आपस में बराबर होंगी कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। तो हम AB और DC को कह सकते हैं कि भाई ये अब कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने लिखा है कि AB कॉन्ग्रुएंट टू DC ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी, और उसके अलावा एंगल DCO ये वाली एंगल, ये बराबर होगी OAB एंगल के, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में अब क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। पहले नहीं थी, अब हम कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपस में बराबर होंगी। तो हमने लिखा है कि एंगल DCO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAP ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप देखें कि DC और AB जो है ये पैरेलल लाइंस हैं, सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दो लाइंस हैं जिनसे ये एक CA लाइन जो है वो गुज़र रही है इस तरह, ठीक है ना, ये DC और ये AB और ये एक CA की लाइन जो है वो एज ए ट्रांसवर्सल आ रही है। तो अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आती हैं आपके पास तो आप कहोगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
या फिर अगर ऐसा हो कि आप कहो कि ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर आप कह सकोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अभी हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाली। तो ये DC और AB के बारे में आप कहोगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो आपने लिखा है कि AB पैरेलल है किसके, DC के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग नहीं है, सॉरी, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो उसकी अल्टरनेट एंगल्स हैं। वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इस बिना पे होती हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जिस जगह पे ये एंगल है उस ट्राइंगल में उस जगह पे ये एंगल है, इस हिसाब से ये करस्पॉन्ड एंगल्स हैं। वैसे इनकी दोनों लाइंस की ये ट्रांसवर्सल के तौर पे ये दोनों एंगल्स जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स एंगल DC और एंगल OAB ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई AB अब पैरेलल है किसके, DC के। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो हमने प्रूव किया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। सिमिलरली वी कैन रिपीट ट्राइंगल COB एंड DOA, COB इस ट्राइंगल को और DOA इस ट्राइंगल को आप रिपीट कर सकते हो फॉर द साइड्स BC एंड AD टू प्रूव देम कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं और पैरेलल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इन अ पैरेललोग्राम, कोई ऐसा पैरेललोग्राम है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन एनी साइड्स आर इक्वल, यानी किसी भी साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो गिवन है हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन ये किया कि BC को हमने प्रोड्यूस किया है पॉइंट ई की तरफ ताकि ये लाइन एक्सटेंड हो जाए, ताकि यहाँ पे एक एंगल आपके पास जो है वो एक विजिबल हो जाए, ये वाली DCE के नाम से। तो प्रूव ये करना है कि इस साइड पे ये एंगल B और एंगल DCE जो हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन DC और AB साइड्स की, एक DC और AB साइड जो कि पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, इस पे ये जो इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये जो लाइन है अब ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगी और ये बराबर होंगी। तो वो ऑब्वियसली बराबर ही होती हैं क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो बराबर होती हैं। बस हमें वही चीज़ बता देनी है यहाँ पर कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है ना। यही एक पॉइंट थी जो कि मैंने बतानी थी पैरेललोग्राम में कि AB और DC जो है वो आपस में पैरेलल हैं, गिवन है, तो एंगल B और एंगल DCE जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसकी, AB और DC की। तो BE जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, कान